हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कल्पना फॉर नीट बायोलॉजी. द टॉपिक आई एम टेकिंग टुडे इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए. हम जानते हैं डीएनए और आरएनए में क्या होता है. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती हैं. डीएनए में डबल हेलिकल होता है और आरएनए में सिंगल. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ती हैं. हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर. तो हम देखते हैं कि पहले क्या होता है. नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ते हैं, शुगर से, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड. तो एक न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनस बेस का मॉलिक्यूल होगा और एक शुगर होगा. यदि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए है तो राइबोज शुगर. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है. तो इसमें हमने पढ़ा है नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन्स में आते हैं एडिनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन्स में आते हैं थायमिन और साइटोसिन. आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसमें जो लिंकेज है वो कैसे होती है इसको हम देखेंगे. इसमें जो लिंकेज होती है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में वो कहलाती है बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक. ग्लाइकोसाइडिक क्यों कहलाती है ये भी हम अभी स्टडी करेंगे. ग्लाइकोसाइडिक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल कोई बॉन्ड बनाता है. तो एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जो ज्वाइन करता है एक कार्बोहाइड्रेट. डीएनए के केस में वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर. और आरएनए के केस में क्या है, राइबोज शुगर टू अनदर ग्रुप. किसी भी ग्रुप से जुड़ती है तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड होता है. और यदि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम से जुड़ेगी तो वो एन ग्लाइकोसाइडिक हो जाता है. और बीटा इसलिए होता है, ये इस पर डिपेंड करता है जो बॉन्ड है वो शुगर मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर है कि नीचे है. यदि ऊपर है बॉन्ड तो वो बीटा होता है और यदि नीचे बन रहा है तो वो अल्फा होता है. तो हम यहाँ पर एडिनिन से शुरू करते हैं. ये एडिनिन हमें मालूम है, प्यूरिन है. इसमें दो रिंग होती हैं, एक पिरिमिडिन रिंग 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग. इसमें यहाँ पर चार नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. किसी भी प्यूरिन में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. यदि एडिनिन है तो यहाँ पर क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है और यहाँ पर ये H जुड़ा होता है. ये पोजीशन है हमारी. IUPAC नॉमिनेचर हम के हिसाब से नंबरिंग करते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर दूसरे रिंग में 7, 8, 9. इसको यहाँ पर केवल 6 नंबर पर NH2 ग्रुप है. और यदि हम बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंसिंग एटम्स को कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये हो गया एडिनिन और ये शुगर है. शुगर में ये 1, 2, 3, 4 और ये 5. यहाँ पर ये HOH, यहाँ पर ये H. यदि राइबोज है तो यहाँ पर HOH होगा और यदि डीऑक्सीराइबोज है तो दूसरे नंबर कार्बन पर एक O कम होता है, तो दोनों तरफ HH होंगे. अदरवाइज जो है वो सेम होता है. तो इस तरह से ये 5 कार्बन की राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर है. यहाँ पर जो है O नहीं है, एक O कम है, इसलिए ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है. ये हो गया एडिनिन. ये हो गया डीऑक्सी
राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर है। अब इसका 9 नंबर एटम और इसका 1 नंबर कार्बन एटम से अटैच OH, 9 नंबर से अटैच H और ये OH, ये क्या करेंगे, ये मिलके क्या निकाल देंगे, H2O, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है और ये जो है आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब 9 नंबर तो 9 नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9 नंबर एंड OH प्रेजेंट एट नंबर 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो हो गया ये कंबाइन हो गया, नाइट्रोजनस बेस एडिनिन और डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये जुड़ गया। तो 1 नंबर से ये जुड़ा है। और क्या निकल गया, एक मॉलिक्यूल H2O। ये जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। और ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये नाम है न्यूक्लियोसाइड का, एडिनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये बॉन्ड बन गया, ये हो गया बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक क्योंकि इसमें शुगर इन्वॉल्व है, एंड क्योंकि ये डायरेक्ट, ये जो बॉन्ड बना है डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और बीटा इसलिए ये जो बॉन्ड बना है इसका लेबल क्या होता है, ये जो शुगर है इसके लेबल से ऊपर है। यदि ये नीचे हो, इसके लेबल से नीचे होगा तो अल्फा होगा, पर ये बीटा होगा। तो ये जो बॉन्ड बन गया ये हो गया बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक, और जो है जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह से बिल्कुल सेम, ये सेम चलेगा किसमें, ग्वानिन में, क्योंकि ग्वानिन भी क्या है, ग्वानिन भी प्यूरीन है, उसमें केवल अंतर ये होता है कि यहां पर डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ NH होता है और यहाँ पर एक NH2 जुड़ा होता है, बस बाकी कोई अंतर नहीं होता। इसलिए थोड़ा बैलेंसिंग में भी अंतर आ जाएगा यहाँ पर, NH NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड O, बाकी सेम है 9 नंबर कार्बन से, और ये डीऑक्सीराइबोस जुड़ जाएगा, ये है ग्वानिन। नौ नंबर नाइट्रोजनस बेस में और एक नंबर, ये एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये जो है मिलके हाइड्रोजन H2O निकालेंगे और बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा, और ये जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सीगुआनोसिन ये है न्यूक्लियोसाइट। तो ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोसाइट। अब पिरिमिडीन में, यदि नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन है, मतलब क्या है उसमें, या तो नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है या वो थायमिन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, और इसमें दो प्लेसेस पर नाइट्रोजन होती है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ पर NH2 होता है जैसे एडेनिन में था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है। यदि हम बैलेंस करें तो हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये हो गया साइटोसिन। और यदि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ेगा ये, फिर ये
उस केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अटैच थी जो नौ नंबर नाइट्रोजन से, यहाँ पर फर्स्ट वन नंबर नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच थी ये था, ये एच और इसका ओ एच मिलके ये वाटर बना देंगे और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका वन नंबर नाइट्रोजन किससे जुड़ा, डिऑक्सीराइबो शुगर के वन नंबर कार्बन के बीच में इसने बॉन्ड बना दिया, तो ये बॉन्ड हो गया बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल सेम है, केवल डिफरेंस ये हुआ 9 नंबर नाइट्रोजन से जुड़ा था, यहाँ पर 1 नंबर का नाइट्रोजन से जुड़ा। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, ये क्या हो गया न्यूक्लियोसाइट, एक नाइट्रोजनस बेस और एक डीऑक्सीराइबो शुगर, जो न्यूक्लियोसाइड बना वो हो गया डीऑक्सी साइटिडीन। इसी तरह से यदि थायमिन होगा उसमें भी एक ही रिंग होती है, अंतर इतना होता है तो उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड वो होता है और यहां पर CH3। बैलेंस हो गया, ये हो गया थायमिन। फिर ये डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ेगा तो बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, वन नंबर नाइट्रोजन से और वन नंबर कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन गया बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो बन गया ये क्या हो गया, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हो गया, डीऑक्सी थायमिडीन। तो जो एडिनोसिन से बना और डीऑक्सीराइबो शुगर मिलके वो बना डीऑक्सी एडिनोसिन, जो ग्वानिन के साथ बनाया वो हो गया डीऑक्सी ग्वानोसिन, जो साइटोसिन के बनाया वो हो गया डीऑक्सी साइटिडीन, और जो थायमिन के साथ बनाया वो हो गया डीऑक्सी थायमिडीन। तो इस तरह से ये चार जो तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। और यदि डीएनए का आरएनए है तो केवल अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी क्या रहेगा, ओएच रहेगा, तब ये डीऑक्सीराइबोज नहीं होके ये क्या हो जाएगा, राइबो शुगर, फाइव कार्बन शुगर है। यदि यहाँ पर दो नंबर कार्बन पे भी ओएच और एच है तो ये राइबो शुगर होगा, तो यहाँ पर ये डीऑक्सी नहीं होगा ये थायमिडीन हो जाएगा। तो बेस तो सेम है, अंतर क्या है कि प्यूरीन के केस में 9 नंबर नाइट्रोजन और 1 नंबर कार्बन, और पिरिमिडीन के केस में 1 नंबर नाइट्रोजन और 1 नंबर कार्बन, इस तरह से जुड़ के चार तरह के ये न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से जुड़ेंगे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, तब ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यही आरएनए और डीएनए के मोनोमर्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यदि दो होंगी आपस में कॉइल हो जाएंगी तो डीएनए बन जाएगा, और एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी तो आरएनए बनेगा। तो आशा है न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।